गाइस, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या हमारे सभी BTS मेंबर्स को फोविया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम जितने भी हैं ना, 100% में से 99% लोगों को फोविया होता है। फोविया का मतलब सिंपल है कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है या घबराहट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको वहाँ पे घबराहट होने लगता है। बहुत से लोगों को हाइट से घबराहट होता है, बहुत से लोगों को पानी से, तालाब से, स्विमिंग से होता है। एंड बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको क्राउड वाली जगह पे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे बहुत घबराहट होता है। तो ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, ऑब्वियसली आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि दी आपको किस चीज़ से घबराहट होता है, तो मुझे भी भीड़ भाड़ वाले जगह पे घबराहट होता है, या अगर मुझे किसी ने रूम में लॉक कर दिया तब भी मुझे घबराहट होता है। तो फोविया एक नॉर्मल टर्म है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को हो सकता है। बट आज हम इसमें बात करने वाले कि हमारे जितने भी 7 एंजल हैं, क्या उनको फोविया है? एंड यस, अगर उनको फोविया है तो उनको किन चीज़ों से फोविया है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सुगा के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज आपके एक सब्सक्रिप्शन से एंड आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है। एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लाती हूँ। ओके, सो अब हम बात करते हैं सुगा से। तो एक बार सुगा के पिताजी से पूछा गया कि क्या सुगा को किसी चीज़ से फोविया है। देन उनके पिताजी ने बोला यस, सुगा को गाय से, आतिशबाजी से और हाइट से बहुत डर लगता है। तो गर्ल्स, जैसा कि आप देखते हैं कि इंडिया में बेसिकली अगर कोई फेस्टिवल होता है, ज़्यादातर आपने आतिशबाजी के नॉइज़ न्यू ईयर में देखा होगा, दिवाली में देखा होगा, तो हमारे सुगा को इस चीज़ से फोविया है, घबराहट होता है। तो आप अगर उनकी आइडियल टाइप ऑफ गर्ल के जैसा बनना चाहती है या उनकी फ्यूचर वाइफ के जैसा बनना चाहती है, तो आपको ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि उनके सामने आतिशबाजी की नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। एंड उनको कभी आप हाइट पे मत लेके जाओ, बिकॉज उनको ऊंचाई से भी डर लगता है। एंड अपने इंडिया में तो गाय बहुत नॉर्मल है यहाँ वहाँ घूमते हुए, तो आपको अपने सुगा को बचा के रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे रैप मॉन्स्टर नेमजून। यस, हमारे नेमजून को आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा कि उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, लेकिन उनको एलिफेंट से डर लगता है। यस, उनको एलिफेंट से फोबिया है, ही स्केयर्ड ऑफ एलिफेंट्स। सो गर्ल्स, डू यू नो हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम, यस, मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, कि उनको किस चीज़ से फोविया है? ओके, मैं बताती हूँ, उनको छोटे से, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको अगर उन्होंने देख लिया कहीं पे छोटे कीड़े मकोड़े, फॉर एग्जांपल छिपकली हो गई, कॉकरोच हो गया, है ना, इस टाइप्स के, या भूत, इनसे उनको फोविया है। ओके, तो उन्होंने अगर ऐसा देख लिया तो बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। जैसे कि हमारे भी, उनको भी सेम छोटे कीड़े मकोड़े एंड भूत से डर लगता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी। आपने एलन का इंटरव्यू तो देखा ही होगा। एलन के इंटरव्यू में एक आर्मी गोश्त बन के एकदम से सामने आ गई थी, इंटरव्यू में बॉक्स से निकली थी ना, उस टाइम पे आपने देखा कि सभी डर गए थे एंड सब शांत भी हो गए। लेकिन लास्ट तक आपने देखा होगा वी एंड हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन शांत नहीं हो पाए, मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे वो। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो भूतों से कितने ज़्यादा डरते हैं। तो यस, अगर आप उनकी आइडियल टाइप ऑफ गर्ल के जैसा बनना चाहती है या उनकी लाइफ में जाना चाहती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपने जिन या अपने वी के साथ भूत वाला प्रैंक तो बिल्कुल भी ना करें। एंड उनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से बचा के रखना, जैसे जैंदी ने की थी, देखे थे ना आप लोगों ने बॉयज और फ्लावर में, जैंदी को जुनपियों को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से बहुत डर लगता था, तो जैंदी बचाती थी उसे। वैसे ही आप लोगों को भी बचाना है। तो गर्ल्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बनी। यस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जंगकुक को किस चीज़ का फोविया है। एंड ये बहुत फनी है। डू यू नो कि जंगकुक को गर्ल्स एंड माइक्रोवेव से फोविया है। अगर जंगकुक के सामने बहुत सारे गर्ल्स आ जाती है तो घबरा जाते हैं। आपने बहुत बार इंटरव्यू में देखा होगा जंगकुक को, जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और गर्ल्स एकदम से
चिल्लाने लगती है या उनके सामने आके बहुत स्क्रीमिंग करने लगती है, देन वहाँ पे जंगकुक बहुत होपलेस हो जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव से उनको इसलिए डर लगता है, उनको लगता है कि माइक्रोवेव फट जाएगा। क्या आपको भी माइक्रोवेव से डर लगता है? मुझे कमेंट में बताना। गर्ल्स, क्या आपको पता है जंगकुक को भी छोटे कीड़े मकोड़े से डर लगता है? एक्सपेक्ट स्टेज बैटल्स। यस, उनको छोटे कीड़े मकोड़े से डर लगता है, और मतलब स्टेज बैटल के अलावा मतलब जो बड़े कीड़े हैं ना उनसे उनको उतना डर नहीं लगता है जितना छोटों से लगता है, छोटे कीड़ों को। ओके, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो चिमचिम, हमारे जो फ्लैटी बॉय है, क्या इनको भी फोबिया है? यस, इनको भी फोबिया है। तो सबसे पहले तो इनको हाइट से डर लगता है, तो अगर आप इनकी आइडियल टाइप ऑफ गर्ल की जैसा बनना चाहती है या इनकी लाइफ में जाना चाहती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गलती से जिमिन को हाइट पे ऊंचाई ऊंची जगह पे नहीं लेके जानी है। ओके, इनको हाइट से डर लगता है। इसके अलावा हमारे जिमिन को तितलियों से डर लगता है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि इनको तितलियों से क्यों डर लगता है। जब जिमिन बच्चे थे ना, तब इनके एक दोस्त ने जिमिन के पैंट में तितलियाँ रख दी थी, एंड उन तितलियों ने यू नो जिमिन को काट लिया था, एंड उस दिन से जिमिन को तितलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो माई क्यूटी पाइज, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जे होप। यस, अब हमारे क्यूटी पाइज सोचेगी हमारे इतने कॉमेडी इतने फनी जे होप को भी किसी चीज़ का फोबिया हो सकता है? तो हाँ गर्ल्स, हो सकता है, और मैं अब आपको बता रही हूँ इनको किस चीज़ से फोबिया है। तो ये सभी चीज़ों से डरते हैं, इनको सभी चीज़ों से घबराहट हो जाता है। आपने कई बार सुना ही होगा ना, जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, जो बहुत ज़्यादा फनी रहते हैं ना, वो एक्चुअल में बहुत ही यू नो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं वो बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। तो यस, हो सकता है यही वजह हो। लेकिन गाइस, मैं जे होप का फोबिया बताने से पहले, एंड जे होप के बाद वी का भी है, तो इन दोनों को बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जितने भी मैं फोबिया बता रही हूँ ना आपको, तो ये सब आपने अगर गोल्डन मैकनी देखा होगा तो उसमें जितने भी मेंबर्स थे सब ने शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इट्स ओके, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। मतलब जितने भी है, आपको मैं हमेशा ऑथेंटिक ही न्यूज़ देती हूँ, एंड आगे भी मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ ही दूंगी। तो ये जितने भी है गोल्डन मैकने अवार्ड में इन लोगों ने बोला था कि इनको किन किन चीज़ का फोबिया है, एंड साथ ही साथ ये जो जंगकुक है ना हमारे, इन्होंने शेयर नहीं किया था कि इनको किस चीज़ का फोबिया है, बट इन्होंने एक बार फैन साइन में बोला था, एंड तो वहाँ से इनके बारे में पता चला है। बाकी सब ने गोल्डन मैकने अवार्ड में बोला था। तो आई विश कि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस होती है बहुत पसंद आती होगी, और मैं जितनी भी वीडियो अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं फैमिली हो, आप लोगों के लिए मैं हमेशा ऑथेंटिक ही वीडियो बनाती हूँ। ओके ओके, सो अब मैं आपको जी होप के बारे में बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इनको हर चीज़ से डर लगता है, एंड आपने तो यू नो जी होप को देखा ही होगा कि एक बार सांपों के लिए उन्होंने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई थी। लाइक जैसे ये लोग जाते हैं वर्ल्ड वाइड टूर करते हैं, तो बहुत बार होता है ना यू नो गले पे सांप रख देना या हाथ पे सांप रख देना, तो ऐसा जी होप के साथ किसी ने किया। वहाँ पे वो एकदम ऐसे चिल्लाने लग गए, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गए थे। तो ये बहुत फेमस है, आई थिंक ये चीज़ आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताना। इसके अलावा उन्हें ऊंचाई से और रोलर कोस्टर से भी बहुत डर लगता है। आई थिंक ये वाला डर तो उनका बहुत ज़्यादा फेमस है, ऊंचाई वाला एंड रोलर कोस्टर वाला, उन्होंने काफ़ी बार शेयर भी किया जी होप ने। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको जी होप का फोबिया पता था या अभी पता चला है। तो अब आ जाते हैं हमारे यू नो सबसे फनी एंड क्यूट एंड यू नो अडोरेबल एंड वर्ल्ड नंबर वन हैंडसम। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वी। तो इनको किस चीज़ से फोबिया है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जिनको भूतों से है ना और छोटे कीड़ों से फोबिया है, सेम ऐसे ही हमारे वी को भी भूतों से बहुत डर लगता है और मधुमक्खियाँ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वी को कभी भी मधुमक्खियों के पास मत लेके जाना, जो इनकी आइडल टाइप ऑफ गर्ल के जैसा बनना चाहती है ना, या अगर कोई इनकी फ्यूचर वाइफ बनना चाहती है, कान खोल के सुन लो। ओके, क्या कर रहे हो, कान खोल रहे हो? हाँ ठीक है, सुन लो कि इनको मधुमक्खियों के पास तो कतई मत लेके जाना तुम। ओके,
एंड हाँ, साथ ही साथ जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना जो घर में होते हैं, छिपकलियाँ, कॉकरोच, ये वो, आई थिंक इनसे तो हमारे गर्ल्स को भी डर लगता है, लेकिन बहुत सारे हमारे गर्ल्स हैं ना बहादुर सी, उनको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। तो हाँ, आपको नहीं लगता है, वी को लगता है। ओके, सो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड आपको पता चल गया होगा कि हमारे BTS मेंबर को फोबिया है इन इन चीज़ों में। एंड आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितनी चीज़ें पहले से ही पता थी, एंड कमेंट में मुझे ये भी बताइए वीडियो कैसा लगा। एंड यस, आप ये भी बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।